जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम बागरी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विशेष श्रमदान कर यहाँ के प्राचीन तालाब पर गहरीकरण के लिए श्रमदान किया। साथ ही वृहद रूप से वृक्षारोपण भी किया। इस अभियान के दौरान विदिशा विधायक मुकेश टंडन, जनपद पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, भाजपा के कार्य समिति सदस्य श्याम सुंदर शर्मा, ग्राम पंचायत के सरपंच राहुल गुर्जर के अलावा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट और बड़ी संख्या में अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तैर रहे थे, पानी पी रहे। अभी हम जब देख रहे हैं, जब अब गर्मी अपने अंतिम चरण में है, तो अभी अब उस तालाब में पानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जो हम लोग सत प्रयास कर रहे हैं इस बार, हम सब लोग मिलकर जो आप सब लोग की प्रेरणा से उसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि इतना गहरीकरण होगा, इतनी शिल्ट उसमें से निकल जाएगी कि अगली गर्मी में हो सकता है कि पूरी गर्मी भर तक यहाँ पर पानी रहे। ये जैसा मुझे बताया है कि यहाँ पर विधायक जी के प्रयासों से और सीओ साहब ने बहुत कोशिश करके इस जगह को आप सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया है, और इस जगह पर एक सिलसिलेवार करीब 46 मकान बनने हैं एक साथ। ये एक ऐसी विकसित कॉलोनी बने और ऐसी दिखाने लायक कॉलोनी बने कि इसको देखे लोग आकर के, बाहर से आकर के लोग देखे, एक मॉडल के रूप में ये बने। उपस्थित सभी लाडली बहन, वास्तव में कलेक्टर साहब ने जो बताया, जल ही जीवन। एक समय हमको हमारे परिवार के बुजुर्ग सफर में पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी दैनिक जीवन शैली में हर संभव बदलाव करने का वचन देता हूँ। मैं अपने दोस्तों परिवार और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों के महत्व के बारे में लगातार याद दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं एक उदाहरण के रूप में सेवा करने का वचन देता हूँ कि कैसे एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली हमारे ग्रह और सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।